जैसे आप सबको पता है कल जेईई एडवांस जो कि विश्व का एक सबसे टफ एग्ज़ाम है, कल उसका रिज़ल्ट आ गया। और जिन बच्चों ने भी इंजीनियर बनने का सपना देखा था या सोचा था कि हम आईआईटी में जाएंगे, उन काफ़ी बच्चों का सपना कल साकार हुआ। ये सफ़र शुरू हुआ था जनवरी में जब बच्चों ने जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद हम मिले भी थे, काफ़ी बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर करा था। लगभग 11,70,000 बच्चों ने पूरे इंडिया में से इस एग्ज़ाम के लिए अपेयर करा था, जिसमें जो सेकंड स्टेज है जेईई एडवांस की उसके लिए लगभग 2.5 लाख बच्चों ने ये एग्ज़ाम अपेयर करा और उसमें 48,000 ही बच्चे क्वालिफाई हो सके, जिसमें लगभग 17,500 बच्चों को आईआईटी मिलेगी। तो हर साल की तरह आकाश में एक बार फिर बहुत लेगेसी, अपनी लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए बहुत अच्छे रिजल्ट रहे। अगर मैं रोहतक ब्रांच की बात करूं तो हर्ष अलावत हमारा बच्चा जिसने 1813 रैंक लेके पूरे रोहतक का नाम रोशन किया। बाकी ब्रीफ रिजल्ट्स के लिए मैं चाहूँगा इंद्रजीत सर और योगिंदर सर नेशनल लेवल और हमारे नॉर्थ के रिजल्ट्स को एक बड़ी ब्रीफ करें। टोटल जो नेशनल लेवल का रिजल्ट हमारा रहा कि टॉप 100 में पूरे आकाश के 8 बच्चे सेलेक्ट हुए, टॉप 200 में 19 है, टॉप 500 में 53, टॉप 1000 में 96, टॉप 2000 में 180, टॉप 3000 में 271 एंड 4000 में 342 एंड इन टॉप 5000 409 स्टूडेंट्स आकाश इंस्टीट्यूट के रहे। और टोटल जो हमारे स्टूडेंट का टोटल सिलेक्शन नंबर रहा 3081 नंबर रहा, जिसमें से 2826 क्लासरूम से है। और ईयर टू ईयर जो हमारा रिजल्ट का एक लेगेसी है वो इस बार हमने फिर अपने आप को प्रूव किया। और जो एक ग्राफ है वो हर बार नंबर ऑफ सिलेक्शन इन टर्म्स ऑफ रैंक और बेटर रिजल्ट ईयर टू ईयर बढ़ता जा रहा है और होपफुली आगे भी हम इस रिजल्ट को और इम्प्रूव करेंगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। पिछले साल से हमारा रिजल्ट टॉप 100 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे बढ़े हैं, टॉप 200 में भी नंबर ऑफ, मतलब इन ईच सेगमेंट वी इम्प्रूव्ड अवर रिजल्ट। रोहतक ब्रांच का अच्छा रिजल्ट रहा। अगर मैं पूरे रोहतक ब्रांच की बात, हरियाणा की मैं बात करूँ पहले, रोहतक ब्रांच में टॉप 5000 में हमारे 3 स्टूडेंट्स रहे, टॉप 10000 में 9 स्टूडेंट्स रहे और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्वालिफाइड है हमारे वो 27 स्टूडेंट्स हैं जो रोहतक से क्वालिफाई किए। तो किस तरह की तैयारी करवाते हैं आप लोग, जिस तरह से आपने कहा कि पोजीशन आए? देखिए, जैसे सर ने बताया कि जेईई एडवांस का जो पेपर, मतलब जो पेपर होता है वो दो पेजेस में होता है। पहले जेईई मेंस का एक पेपर होता है और जेईई मेंस में दो फेजेज में होता है, जनवरी और अप्रैल में, और उनमें से वो बच्चों को क्वालिफाई करते हैं। इस बार की एवर हाईएस्ट कट ऑफ गई थी जेईई एडवांस के लिए, 93% प्लस गया था। और उसके बाद जो सर ने बताया कहा कि लगभग 2.5 लाख बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया। और ये जो एग्ज़ाम होता है, इस एग्ज़ाम का जो डिफ़िकल्टी लेवल और नेगेटिव मार्किंग वो एवर हाईएस्ट इन इंडिया माना जाता है। लगभग कुछ सेगमेंट तो उसमें ऐसे हैं जिनमें 50% नेगेटिव मार्किंग होती है। और जैसे कि उसमें हम एक स्पेशल डिज़ाइन पैकेज हैं, टाइम टू टाइम एक टेस्टिंग सिस्टम है जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, और लगभग जो एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड होता है वो जैसे आईआईटी में होता है वैसा ही हम या उससे कुछ 5-7% ऊपर ही रखते हैं। और बच्चे काफ़ी फैमिलियर पाते हैं कि जो पेपर यहाँ देते हैं और फाइनल जब एडवांस में वो पेपर दे के आते हैं तो दे फील कम्फर्टेबल कि नहीं वैसा सा पेपर आया जैसे आकाश में कराया जाता है। कुछ बच्चे सक्सेस नहीं हो पाए, उनको क्या जिन बच्चों का जो रिज़ल्ट उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं आया, मैं उनसे पहले तो उनको सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए कि रिज़ल्ट क्यों नहीं आया, क्या उसने कमी की, अपने पेरेंट्स के साथ टीचर के साथ बैठ के उसको काम करना चाहिए। और केवल एक यही स्कोप नहीं है, लाइफ तो बहुत बड़ी है और उसमें बहुत बेटर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। और किसी भी फील्ड में वो जाएँ, इधर दे थिंक अबाउट दी ड्रॉप और दूसरे कॉलेजेस में जाना चाहें, बट सबसे पहले एक सेल्फ एनालिसिस वो ज़रूर करें कि इस बार जो कुछ कमियां छोड़ी हैं, कुछ गलतियां की हैं, वो आगे जिस भी फील्ड में जाएं वो कमियां और उन गलतियों को ना करें। आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट क्या मिस्टेक कर जाते हैं, जो चूक जाते हैं, परसेंटेज थोड़ा कम से? नॉर्मली जो मुझे लगता है कि बच्चे की जो परफॉर्मेंस है कहीं ना कहीं नीचे आती है, और रेगुलरिटी उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है कि बच्चा बैचेज में हार्डवर्क करता है बट वो रेगुलर हार्डवर्क नहीं करता। और सही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो उसके सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो टाइम मैनेजमेंट जो पेपर में करना होता है कहीं ना कहीं मिस कर जाता है, क्योंकि जेईई एडवांस के पेपर में
हमें एक बड़ा चूजी होना पड़ता है कि जो बहुत क्वेश्चन मुश्किल क्वेश्चन है उनको छोड़ना ही छोड़ना है, बड़ा सिलेक्टिवली हमें अप्रोच करना है और हम उसी पे अपना अपना टाइम वेस्ट करें जिनको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो नॉर्मल बच्चा जब इनफ प्रैक्टिस नहीं होती तो वहाँ इस तरह के क्वेश्चन में उसमें कमियाँ रह जाती हैं जिसकी वजह से उसके मार्क्स एक्सपेक्टेड से नीचे आ जाते हैं। योगेंद्र जी, जेईई एडवांस का जो बच्चा इस साल ठीक है रैंकिंग में तो आ गया पर वो कहीं सेलेक्ट नहीं हो पाता, वो दोबारा अगर एडवांस की तैयारी करे तो आपका इंस्टीट्यूट क्या उसको कोई छूट वगैरह देता है? हाँ नहीं, बिल्कुल, हमारा एक पूरा स्कॉलरशिप सिस्टम होता है कि जिन बच्चों का भी एडवांस में क्वालिफाई होता है वो हमारा एक सिस्टम होता है कि अगर आप 10,000 रैंक के बीच में करते हो तो आपके लिए अलग स्कॉलरशिप है, 15,000 के बीच में आप ड्रॉप लेते हो तो अलग स्कॉलरशिप है, 20,000 रैंक अगर आपकी है और उसमें आप ड्रॉप लेते हैं तो आपके लिए अलग स्कॉलरशिप क्राइटेरिया रहेगा। और हम ऐसे बच्चों को मतलब वेलकम भी करते हैं और उनको और अपना इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं कि अगले साल और बेटर रिजल्ट उनका हो सके, जो अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सके। स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे जो सक्सेस नहीं हो पाए, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे ताकि वो सक्सेस हो जाए? देखिए सर, उसमें टिप्स यही है कि अपनी हार्डवर्क बढ़ाइए और जो कुछ कमियाँ रह गई हैं, अपनी गलतियाँ की हैं, उनको दूर करें और खुद पर कॉन्फिडेंस रखें। लाइफ बहुत बड़ी है और बहुत बेटर ऑप्शन भी उनके पास आएंगे। बस यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि आपने अपना बेस्ट 100% दिया। अगर आप अपना 100% देते तो डेफिनेटली अच्छा ही होगा, फील्ड चाहे कोई भी।